यू हैव टू बिकम थैंकफुल। यह आदत आपको सीखनी चाहिए दोस्त, ग्रेटिट्यूड, इट्स अ ग्रेटेस्ट हैबिट्स। और ये वो खतरनाक आदत है जो मैंने डेवलप किया पिछले कुछ सालों के अंदर, मैं चाहता हूं आप भी डेवलप करिए। और ये आदत है शुक्र करने की, थैंकफुल होने की, ग्रेटिट्यूड। धन्यवादी रहिए उन लोगों के जिन लोगों ने आपके लिए बुरे समय के अंदर आपके साथ सपोर्ट किया है। ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि कहते हैं कि हमें जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। फिर जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। जब मर्सिडीज नहीं थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, अब मर्सिडीज आ गई तो लगता है क्या चौधरी बना है, ठीक है ना। जब तक 1 लाख रुपए महीने का इनकम नहीं आ रहा था तो लग रहा था बहुत बड़ी चीज है, अब जब 1 लाख रुपए महीना आने लग गया तो कौन सी बड़ी चीज है। वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम, गूगल करिएगा मिलेगा, चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे, बहुत लड़ाई उन्होंने वियतनाम के लिए जीती। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया, जैसे तैसे बचे। इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद कहीं डिनर कर रहे, डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने बोला आर यू चार्ल्स प्लम, यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन। उसने बोला यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू। उसने बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने बोला नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला मैंने जिस फ्लाइट में आपने टेक ऑफ किया था सबसे आखिरी बार जो क्रैश हो गई थी उसका पैराशूट सर मैंने ही बांधा था, मैं आपका पैराशूट बांधा था सर। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगा लिया, खाना खिलाया कि तेरी वजह से आज मैं शायद जिंदा हूं। थैंकफुल रहना सर, ऑलवेज बी थैंकफुल। तो हम आर्टी भी करते हैं तो एक फोटोग्राफर फोटो खींचने आता है, 100 रुपए लेता है एक फोटोग्राफर। आप सब आर्टी में गए, तो महाराज जी मुझे बोले देखो ये नेस्विस की वजह से कितने लोगों का जीवन चलता है, फोटोग्राफर भी पैसे कमाता है ना महाराज जी आप मुझे बोले। और ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैं आपको बार बार समझाऊं कि सर देखो हम आरटी पी करते हैं ना तो फोटोग्राफर को भी रोजगार मिलता है, अच्छी सोच है ये। जिस होटल में आरटी पी होती है होटल वाले भी पैसे कमाते हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है, होटल वाले भी कमाते हैं, फोटोग्राफर भी कमाते हैं, और भी हम टिकट प्रिंट करते हैं, सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग वाले भी पैसे कमाते हैं, स्टैंडिस प्रिंट होती हैं, ये सब भी तो पैसे कमाते हैं हमारी वजह से। मैंने बोला महाराज जी आपकी और मेरी सोच में थोड़ा सा भेद है, मैं आपसे विरोध हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा सोचता हूं कि फोटोग्राफर की वजह से हम आरटी भी करते हैं, फोटोग्राफर की वजह से हम आरटी भी करते हैं, होटल वालों की वजह से हमको पैसे आते हैं, जिन्होंने प्रिंटिंग का काम करना होता है इसकी वजह से हमको पैसे आते हैं। क्योंकि भगवान ने हो सकता है फोटोग्राफर को 15,000 देने हो उसके लिए हमारी आरटी भी करवा रहा हो। मैं इसको इस तरीके से सोचता हूं हमेशा, ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होइए सर। थैंकलेस लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखो मैं एक आदमी से मिला कुछ दिन पहले, मेरे घर के पास एशियन हॉस्पिटल है, मेरा एक दोस्त है, मुझे मालूम चला कि थोड़ा सा तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो आई वेंट टू मीट हिम। मैंने बोला तकलीफ क्या है, तो उसने बोला ये मेरा जो अंगूठा है ये काम नहीं कर रहा, मतलब मैं ये डेड हो चुका है एक तरीके से, चलाता हूं तो चलता नहीं। तो मैंने कहा व्हाट्स नेक्स्ट, समझ में आ गया प्रॉब्लम, सोल्यूशन बता। तो उसने बोला सोल्यूशन इसका ऑपरेशन है, यहां से कुछ होता है तो एक थोड़ा सा प्रोसेस है। मैंने कहा पैसा कितना लगेगा, बोला 2 लाख रुपए। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख देने पड़ते हैं सर, ऊपर से नीचे भगवान ने दिया है पता नहीं क्या क्या, थैंकफुल नहीं होते सर हम लोग। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख रुपए मांग रहा है डॉक्टर ठीक चलाने के। क्या सुबह उठ के बोला थैंक यू यार, क्या जबरदस्त जीवन दिया, रोते ही मिलेंगे, कुछ ना किया हमारे साथ, जिंदगी झंड कर दी, उसको देख क्या क्या दे रहा है। इसको मैं बोलता हूं पीपी, परेशान प्राणी, ये रोता ही मिलेगा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है वैसा नहीं। दोस्तों कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है, मस्त सप्लाई है, और जब फट जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है देखो कितने रुपए का आता है, और वो रोज दे रहा है गैलन ऑफ ऑक्सीजन,
कि जा बेटा मौज ले। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। और जब भी मैं बार बार बोलता हूं अपने लीडर्स को, और मैं अपने लीडर्स को बार बार ये समझाता हूं कि सर जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो पीठ मत ठोकना अपने, बस ये आपकी वजह से नहीं है, किसी और की वजह से हो रहा है। ऐसा दिमाग में रखोगे जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाओगे। जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो ऐसा मत सोचना कि आपकी वजह से हो रहा है। मैं बार बार सुनाता हूं इस बार फिर, क्यों? क्योंकि ये बातें बार बार जब होती जाती है ना तो फिर मन में बैठ जाती है। ये अप्रत्याशित है आपके साथ, कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार, चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट एक महीने का 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। ग्रेटिट्यूड दोस्तों, इसको मैं बोलता हूं ग्रेटिट्यूड। और हमेशा थैंकफुल रहना उन लोगों के लिए जिनके साथ आप बड़े हुए हो इस बिजनेस में, जिनके साथ आपने बिजनेस बिल्ड किया है, जिसने सीखा है, जिससे सीखा है। देखो, गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के अंदर, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?